यह कार्यक्रम भारतीय फतांसी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को यह नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। आप इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? देखिए, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ अक्सर ही कुछ न कुछ होता रहता है। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। चलिए। आपने बताया नहीं, ऐसा क्या होता है यहाँ? लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक डायन का साया है। डायन? आपने देखा है क्या? नहीं नहीं, मैंने सुना है कि उसके लंबे लंबे नाखून हैं, लंबी काली चोटी। वो अपने आप को जवान रखने के लिए लोगों की उम्र खा लेती है। और जानती हो सबसे खास बात, उसके पांव उल्टे हैं। उल्टे? हाँ। कहीं ऐसे तो नहीं? तो जल जाए, पर मेरी माँ पर आज नहीं आनी चाहिए। भवानी मेरे आशना की कर बागवानी, ये फुलवारी जो तूने खुद है लगाई, नजर से बचा ले ब्रह्मानी। ये लो बुझ रही है कोई आसरा, इतनी गर्ज माता रानी। नसीबों के दर्जी सुनो मेरी अर्जी, बिगड़ी है जब बांधे तुझे से बनी। भाई, एक प्रॉब्लम हो गई है। ऋषि और मोहित का झगड़ा हो गया है और मोहित ने ऋषि को रेस के लिए चैलेंज कर दिया है। मैं बाहर रुकी हूँ कार में, आप आ जाइए। ये प्रीति तो यंग कॉलेज गोइंग लड़की थी ना? तो उसकी डेड बॉडी ऐसे बुड्ढी कैसे हो गई? देखिए,
Steady. And go. भाभी अंश के कॉलेज से जो लड़की मिसिंग थी, ये है उसकी तस्वीर। इसका नाम प्रीति है। भाभी ये यंग लड़की थी, लेकिन इसकी लाश बुढ़ा गई है। हम सब जानते हैं ऐसी मौत तो सिर्फ वही दे सकती। इतना पुराना बात है, 18 बरस बीत गया, कहां से लौटेगी? नहीं लौटेगी वो। उसके जैसी कौन और भी तो हो सकती, कौन दूसरी? डायन। आपको याद है ना मरते वक्त उसने क्या कहा था? तुम लोग मुझे जला सकते हो, लेकिन मेरी दशा नहीं जलेगी। Time for plan B. आजा छोटे। हो गया। राजश्री, पंडित जी ने ही कील इस घर को बुरी नजर से बचाने के लिए दी थी। 18 सालों से ये कील इसी दीवार में लगी हुई थी। आज ये कहाँ गिर गई? किसी और को ये इशारा समझ नहीं आ रहा है का? पंडित जी ने कहा 4 हफ्तों में अंश की राहु महादशा शुरू होने वाली है। अगर ऐसा हो गया तो अंश को उसकी बुरी नजर से कोई नहीं बचा पाएगा। धीरे धीरे अंश को अपनी ओर खींचेगी। आखिर उनकी रगों में मेरे भाई का खून है। ये बात तो ठीक है भाई साहब, लेकिन बड़े भैया आप एक बात भूल रहे हैं। उनकी रगों में मृदुल भैया के साथ साथ उस औरत का भी खून है जो बाद में डायन निकली। ये बात भी ठीक है, अंश की रगों में इंसान और डायन दोनों का खून है। और मैंने सुना है कि डायन का पहला जना आधा इंसान आधा डायन होता है, दावंश होता है। खून भले ही उसमें डायन का है, मगर संस्कार मेरे हैं।
वो राय चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मगर उसकी अच्छाई से जीत नहीं पाएगी। लेकिन भाभी भाभी पंडित जी ने तो कहा था कि जब अंश की राहु महादशा शुरू होगी तो बुरी शक्तियां उस पर हावी हो जाएंगी, और अगर ऐसे में किसी डायन ने उसे अपने वश में कर लिया तो इसीलिए हमें उस देवी के निशान वाली लड़की को ढूंढना ही होगा। वो जहां भी हो उसे मेरे अंश की जिंदगी में आना ही होगा। लेकिन भाभी हम उसे पहचानेंगे कैसे? देवी माँ के निशान से हम उस दैविक को पहचानेंगे। था डायन अपने पति को खा जाती है और उस दिन इस बात पर यकीन भी हो गया, मोहना सच में हमारे मृदुल भैया को खा गई। मुझे दिव्या ने बताया था कि डायन की सारी शक्तियां उसकी चोटी में होती, और अगर उसकी चोटी काट दी जाए तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। से कोई मोहना को मारना नहीं चाहता था, आखिर वो भी इस घर की बहू थी, मृदुल भैया की पत्नी थी, उनके बच्चों की मां। हमें नहीं पता हमने पाप किया या पुण्य किया, लेकिन जो भी किया वो काजल और अंश के लिए किया। आग लगते ही वो अपने असली रूप में आ गई और सबने देखा कि वो एक 200 साल पुरानी डायन थी। वो लोग जब बॉडी को जंगल से बाहर ला रहे थे, सीमा वही थी, उसी ने ये पिक्चर क्लिक करके भेजी है।
ये प्रीति इतनी एजेड कैसे हो गई? इसका मतलब जिसने भी प्रीति को मारा उसी ने उसे बूढ़ा कर लिया। मगर ऐसा कौन कर सकता है? डायन, डायना? डायना नहीं, डायन। हमारे यहां कहते हैं जब डायन मारती है तो वो उम्र खा जाती है। I'm sorry, I'm really sorry, but seriously, Dayan? आजकल ये सब कौन मानता है? जो जानते हैं वो मानते हैं। जो मुझे लगा मैंने कह दिया। मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है, पर जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही अजीब है, weird है। उस दिन रेस वाली रात अचानक मेरे अंदर यूं शक्ति आ जाना, मेरी आंखों का यूं चमकना और फिर प्रीति की मौत। एक मिनट भाई, प्रीति की डेथ एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, उसका आपसे क्या कनेक्शन? हो सकता है कनेक्शन हो, प्रीति की लाश जंगल से मिली थी। हाँ तो? जब मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा था तब मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। हो सकता है प्रीति को मैंने ही मारा हो और ये बात मुझे याद तक नहीं। मुझे लगता है कि आपको जो भी लगता है ना भाई वो सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग मर्डर करके भी नहीं मानते और तू बिना मर्डर किए प्रीति के मर्डर का इल्जाम अपने सर पर ले रहा है। लेकिन किसी ने तो उसे मारा है। हाँ, लेकिन वो तू नहीं है भाई। प्रीति के साथ क्या हुआ ये सिर्फ प्रीति बता सकती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मरे हुए लोगों से बात नहीं की जा सकती है। कर सकते हैं। ये प्लानचेट है, अब हम इस कप पर अपनी अपनी उंगली रखेंगे और प्रीति से सवाल पूछेंगे। प्रीति इस कप को इस बोर्ड पर लिखे हुए लेटर्स पर घुमा के हमारे सवालों का जवाब दे। इस काल भैरव रात्रि में चंद्रमा और तारों को साक्षी मानकर प्रीति की आत्मा का आवाहन करते हैं। प्रीति, क्या तुम यहां हो? तुम्हारा खून किसने किया है? गाइस, प्लीज घर चलें। हाँ, भैया, उंगली मत उठाना। मैंने पढ़ा है कि जब दो लोगों की जगह तीन लोगों की उंगलियां इस पर हो तो ये ज्यादा स्ट्रांग होता है। हम तीन हैं, अब हम पूछ सकते हैं। प्रीति, तुम्हारा खून किसने किया था?
भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। काजल लिसन टू मी, रिलैक्स रिलैक्स काजल। मुझे पता है ये सब किसने किया है। अब इन लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम यही चाहते हो ना कि मैं और पिया हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाए। तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। Yes? What do you want? Yes, what do you want? देखो मेरे पास टाइम नहीं है, क्या काम है जल्दी बताओ। असिस्टेंट रिसर्चर की जॉब के लिए आई हो? ओह, ओके। अपना सीवी बाहर एडमिन डेस्क पर छोड़ दो। एक मिनट, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर तुम्हारे डैड के सिग्नेचर चाहिए कि उन्हें तुम्हारे यहाँ कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने में कोई एतराज तो नहीं। भी कर दीजिए। हॉस्टल में रहती हूँ तो ऐसा कहो ना तुम्हारे डैड यहां नहीं है। तो यही बट साइन कर लिया, बाकी तुम भर लेना, ओके? चलो। और कुछ? जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। डर गया? चल अब मैं तुझे सिखाता हूँ कि एक्चुअली मैं कैसे सांस रोकी जाती है। चल अब बता ना, प्रीति की फोटो के साथ क्या कर रहा था बता। तेरे भाई बहन क्या कर रहे थे बता। कुछ नहीं। बता दे यार, बता दे क्या किया था।
जल्दी करो जल्दी करो, अंश और मोहित की फाइट हो रही है। What was that? What? वही जो पूल पे हुआ। पूल पे क्या हुआ? भाई, आपको इतना गुस्सा आ गया था कि आप मोहित को छोड़ ही नहीं रहे थे। कुछ सेकंड शायद और रुक जाते ना भाई, तो कल कॉलेज में उस गोरिल्ले की याद में ना केले बट रहे होते। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। ऐसा क्यों हुआ? उसने मुझे छुआ और घाव हो गया। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है तुम नहीं समझ पाओगे अंश। अब मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि तुम्हें लगने लगेगा कि प्रीति का मर्डर तुमने ही किया है। फिर तुम्हें बुरी शक्तियों की तरफ खींचना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो सब वो अंश के साथ कभी नहीं होने देगी। सिर्फ उसकी जिंदगी में आने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अंश को बुराई की तरफ खींचना होगा, उसे ये एहसास दिलाना होगा कि वो कोई आम इंसान नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हें उस लड़की की लाश चुराने के लिए कहा था, ताकि तुम उसे यकीन दिला सको कि इसे उसी ने मारा है। वो जितना अपने आप से भागेगा, जितना अपने आप से डरेगा, उसे बुराई की तरफ खींचना उतना ही आसान रहेगा। वैसी पूरी कोशिश करेगी कि अंश की शादी उस देवी के चिन्ह वाली देवी से हो। लेकिन अंश की शादी तुम्हारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि जब एक डायन और दावन की शादी होगी तभी तो मैं वापस आऊंगी। Thank you.
हे माँ, मुझे उस लड़की से मिलवा दे जिसके बदन पर तेरा निशान है, वो ही मेरे अंश को डायन से बचा सकती है। फोन तो स्पीकर पे और भैया यही है। आज आज मुझे वो लड़की मिल गई। कौन? अरे अरे बेटा, वो देवी की निशान वाली लड़की। माँ माँ, किसकी बात कर रही है आप? अरे तू बस घर आकर फौरन देख लेना, आज तू घर आ फौरन। मैं कह रही हूँ ना, तू जल्दी से घर आ और उस लड़की से मिल जिससे तेरी शादी होने वाली है। लाश, ये तो प्रीति की लाश है। You.
अंश की शादी तुम्हारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि जब एक टायर और दावंश की शादी होगी तभी तो मैं वापस आऊंगी। रूबी तुम? वो आंच मैं फोन पे तुम्हें बताने वाली थी पर तुमने फोन रख दिया। आंटी ने तुम्हें कुछ बताया क्या? अबाउट व्हाट? अंश, यही तो वो लड़की है जिसके बारे में मैं तुझे बता रही थी, देवी के निशान वाली। तेरी जीएफ है ना? जोक कहते हैं, जिस लड़की को हम इतना ढूंढ रहे थे वो तुझे पहले ही मिल चुकी है। देवी माँ के निशान वाली लड़की ये है, शुगर लिप्स। अच्छा ये बताओ कि प्रीति से तुम लोगों की आखिरी बार बात कब हुई थी? अब हम इस कप पर अपनी अपनी उंगली रखेंगे और प्रीति से सवाल पूछेंगे। प्रीति, क्या तुम यहाँ हो? प्रीति की डेथ के अगले दिन। शट अप ऋषि, यहाँ मजाक नहीं हो रहा है। बड़ा अजीब सा केस है। पहले प्रीति की बॉडी तुम्हारे कॉलेज के पीछे जो जंगल है वहां से मिलती है, फिर उसकी बॉडी मुर्दा घर से गायब हो जाती है और फिर वही बॉडी तुम्हारे कॉलेज से मिलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मरने के बाद भी प्रीति की घूमने की आदत नहीं गई। जब जिंदा थी तब भी घूमती थी और अब मर गई अब भी घूमती है। चुप कर ऋषि, क्या बोले जा रहा है? भाई अब वो मैंने देखा कि आप पापा के हाथ में इस फाइल को ऐसे घूर घूर कर देख रहे थे तो मैंने। तूने चाचू की फाइल चुरा ली? ऋषि की तरह पापा के विस्की चुराने से तो बेटर है ना। जब तेरा प्रीति की डेथ के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं तो इस फाइल में क्या देख रहा है? और वैसे भी भाई, जब प्रीति की लाश गिरी आप हमारे साथ थे, राइट देयर। वो तो दिन में था, हो सकता है रात में मैंने ही लाश ऊपर रखी हो। भाई जस्ट थिंक, आप रात को यहां से मॉर्ग गए, मॉर्ग से लाश ली, लाश लेकर कॉलेज की टेरेस तक गए। आई मीन आप भला ऐसा क्यों करेंगे? क्या हुआ? जहां पर प्रीति की लाश मिली है वही मिट्टी में जूतों के निशान मिले, शू साइज नंबर 9। तो मेरा भी शू साइज 9 है। या राइट भाई, वैसे अब पापा की शू साइज भी 9 ही है और वैसे देखा जाए तो इस देश में करोड़ों लोगों का शू साइज 9 होगा। किसी और के है या नहीं वो पता नहीं,
पर मेरे है या नहीं वो पता लगाना पड़ेगा। तुम्हें अंश को बुराई की तरफ खींचना होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें उस लड़की की लाश चुराने के लिए कहा था, ताकि तुम उसे यकीन दिला सको कि इसे उसी ने मारा है। तुम जितना अपने आप से भागेगा, जितना अपने आप से डरेगा, उसे बुराई की तरफ खींचना उतना ही आसान रहेगा। कैसे? गाड़ी निकाल। What? रिश? हाँ नो रिश,